नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे BPSC के टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज में मॉडर्न बिहार के सेकंड पार्ट का वीडियो। पहला पार्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसे आप जरूर देखें। और आने वाले BPSC के एग्जाम्स में, चाहे वो CDPA हो, BPSC 67 के एग्जाम हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज UPSC, BPSC, UPPCS, UPSSSC और EPO के लिए बहुत ही शानदार कोर्सेज चला रहे हैं, जिनके प्रीलिम्स हो, मेंस हो, उसमें ऑप्शंस के आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज़ वगैरह हम कंडक्ट करवाते हैं हमारी अनुभवी टीम द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि और ज़्यादा अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, इनमें से अली वर्दी खान के बारे में सही कथन को चुनना है कि उसका ओरिजिनल नाम, मूल नेम जो था उसका, मोहम्मद अली था और उसे शुजाउद्दीन ने जो बिहार का नायब सूबेदार बनाया था और उसने अफगानों को रानी सराय के युद्ध में पराजित कर दिया था। तो ये तीनों ही कथन सही हैं और इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ई। इनमें से सही कथनों को चुनना है हमें। अलीवर्दी खान ने जो सरफराज खान, जो कि शुजाउद्दीन के पुत्र थे, उनको गिरिया में, जो कि मुंगेर में स्थित है, उसकी गिरिया की लड़ाई में, बैटल ऑफ गिरिया में पराजित कर दिया था। बाद में वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कम्बाइंड नवाब बन गए थे। उन्होंने मराठाओं के भी एक आक्रमण को निष्फल किया था फतुहा के पास। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बैटल ऑफ गिरिया जो है वो मुंगेर में नहीं, वो मुर्शिदाबाद में यानी कि बंगाल में है। तो पहला कथन गलत हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा केवल 2 और 3। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस व्यक्ति ने, इनमें से किस महानुभाव ने अपनी आत्मकथा लिखी है, मेरा जीवन मेरा संघर्ष? तो ये लिखा गया है श्री स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। इनमें से सही कथनों को मैं चुनना है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने एक मुख्य कार्य रूप का खाका बनाया था, एक प्लानिंग एक्शन प्लान डेवलप किया था। उन्हें 9 अगस्त को पकड़कर दानापुर जेल में डाल दिया गया था और बाद में वहां से फरार होकर नेपाल चले गए थे। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि वो दानापुर जेल नहीं, बांकेपुर जेल थी और वो जेल से फरार नहीं हुए थे, फरार होने वाले व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। इनमें से हमें सही कथनों को चुनना है। बिहार में कांग्रेस द्वारा अग्रिम सरकार 20 जुलाई 1937 को बनती है। रामदयालु सिंह और अब्दुल बारी उसके स्पीकर तथा उप स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बनते हैं और मिस्टर बैरेट उसके मुख्य सचिव बनते हैं उस सरकार के। तो तीनों ही कथन सही है, इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ई। इनमें से हमें सही जोड़ी को चुनना है। न्यूज़पेपर, पत्रिकाएँ और उनके संपादक, तो द मदरलैंड अब्दुल बारी, सर्च लाइट सैयद हैदर हुसैन और पटना टाइम्स मोहम्मद यूनिस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मदरलैंड का प्रकाशन जो है वो अब्दुल बारी नहीं, वो करते थे मजहर उल हक। तो पहला कथन गलत, दूसरा और तीसरा सही, ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। इनमें से सही जोड़ों को हमें चुनना है फिर से। तो बिहार का जो पहला इंग्लिश पेपर था बिहार हेराल्ड, उसे गुरु प्रसाद सेन ने लिखा था, ये सही है। नूरुल अनवर भी मोहम्मद हाशिम, लेकिन इंडियन नेशन आप जानते हैं ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा नहीं, ये लिखा गया था दरभंगा महाराज यानी कि कामेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा। इनमें से क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान के बारे में कुछ कथनों पर आपको विचार करना है कि मेन सेंटर जो उसके थे पटना, सारण और मुजफ्फरपुर है। जगलाल चौधरी ने सारण पुलिस थानों को आग लगा दी थी और इसी कारण से सारण डिस्ट्रिक्ट को एक क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट, आपराधिक जिला घोषित कर दिया गया था। तो ये तीनों ही कथन सही हैं।
क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बिहार में हुए आंदोलनों के बारे में सही कथन को चुनना है। राजेंद्र प्रसाद इसके प्रमुख लीडर थे और इनका अरेस्ट का ऑर्डर दिया था मजिस्ट्रेट डब्ल्यू जी आर्चर, जो उस वक्त पटना के मजिस्ट्रेट थे। ये वही मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने पटना सेक्रेटरिएट, पटना सचिवालय में फायरिंग के भी आदेश दिए थे और साथ बिहार के सपूतों ने अपनी जान गंवा दी थी सेक्रेटरिएट में झंडा फहराने के लिए, जिसे सचिवालय गोलीकांड भी कहा जाता है। उस समय इस घटना से प्रेरित होकर, इस घटना से व्यथित होकर अटॉर्नी जनरल जो बलदेव सहाय जी थे सरकार में, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ये तीनों के तीनों ही कथन सही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मोर देन वन, यानी कि ऑप्शन ई। इनमें से किस व्यक्ति, यानी कि जो सात शहीद पटना सचिवालय में जो गोलीकांड में सात व्यक्ति शहीद हुए थे, सात स्टूडेंट्स, उनमें से ये कौन व्यक्ति जो है वो उसमें शामिल नहीं था? राधाकांत सिन्हा, संजीव प्रसाद झा, गणपति कुमार, देव प्रसाद ठाकुर, ये तीनों चारों में से कोई भी इसमें सम्मिलित नहीं थे। इनमें सम्मिलित व्यक्ति थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश झा, जगपति कुमार, रामानंद सिंह, देवीपद चौधरी, राम गोविंद सिंह और राजेंद्र सिंह। इनके नाम करना बहुत ही, याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार के शहीदों में नियुक्त किए जाते हैं और इन पर क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। थोड़ा फैक्चुअल जरूर है लेकिन याद करने की आवश्यकता है। इनमें से हमें सही कथनों पर विचार करना है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण इसके पहले अध्यक्ष बने थे और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसको बैन कर दिया गया था। तो पहला और तीसरा कथन सही है, लेकिन आपको पता है कि इसके संस्थापक जो थे वो पहले प्रेसिडेंट जो थे जयप्रकाश नारायण नहीं, बल्कि वो थे आचार्य नरेंद्र देव, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक और तीन। इसके अन्य सदस्य थे नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राम वृक्ष पेनीपुरी। इनमें से कौन से मेंबर जो है वो बिहार संविधान सभा के सदस्य रहे, यानी कि भारत की जो संविधान बनाने की सदस्यता, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी संविधान सभा, उसमें से बिहार से चुनकर जाने वाले इनमें से कौन कौन से व्यक्ति थे? तो कामेश्वर प्रसाद सिंह यानी कि दरभंगा महाराज, ये भी थे, श्री कृष्ण सिंह थे, जगजीवन राम थे, के टी झा, ये चारों के चारों ही व्यक्ति थे। इसका आंसर हो जाएगा ई, ऑल ऑफ दिस। इनमें से सही कथनों पर सही जोड़ी को चुनना है हमें। तो टाइटल्स जो, जिस तरह के जो उपाधि और उन व्यक्तियों के नाम से, तो देश रत्न के नाम से जाना जाता था राजेंद्र प्रसाद जी को, बिल्कुल सही है। बिहार विभूति के नाम से जाना जाता था अनुग्रह नारायण सिन्हा जी को और बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था श्री कृष्ण सिंह को। तीनों ही कथन सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इनमें से ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जब भारत में चीज़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको सपोर्ट करने की बात जब कांग्रेस का एक धड़ा कर रहा था, तब उसी कांग्रेस के एक धड़े ने एक एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस रामगढ़ में ही हुई थी, वहाँ पर एक एंटी कॉम्प्रोमाइज़ यानी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार के योगदान या बिहार में हुई घटनाओं का सही हमें कथन चुनना है। तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में पकड़ लेकर ले गए थे और वहां से वो फरार हो गए थे और आगे चलकर उन्होंने फरार होकर नेपाल में उन्होंने एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था। उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर, जो छापा मार युद्ध तकनीक जिसे कहते हैं, वो यूज करके ब्रिटिश शासन प्रशासन में जो है वो इस तरह का तकनीकी उपयोग करके उसको बाधित करते थे। और इसके ट्रेनर जो थे, प्रमुख प्रशिक्षक थे सरदार नित्यानंद सिंह। तो तीनों के तीनों ही कथन सही हैं। कैबिनेट मिशन के बारे में और मुस्लिम लीग के पार्टिसिपेशन के बारे में हमें इनमें से कथनों पर विचार करना है कि पहले समर्थन देने के बाद, बाद में लीग ने अनकंडीशनली अपना जो सपोर्ट है, समर्थन है, वो वापस ले लिया और डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई की चुनौती दी, धमकी दी और उसे अंजाम में लाया। और 16 अगस्त से बहुत बड़े पैमाने पर कलकत्ता में दंगे हुए और जो बिहार का एक अखबार है द मदरलैंड, उन्होंने इसको द ग्रेट कैलकटा किलिंग्स के नाम में छापा और बताया। तो पहले के दो कथन सही है, लेकिन जो तीसरा कथन है कि ये द मदरलैंड अखबार नहीं, ये अखबार का नाम था द स्टेट्समैन। इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक और दो। इनको सही क्रोनोलॉजी यानी सही कालक्रम में लगाना है। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, बिहपुर आंदोलन, कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार और आज़ाद दस्ता फॉर्मेशन। तो इन सब में से अगर आप देखेंगे तो आज़ाद दस्ता जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के आसपास हुआ था, बिहपुर आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान,
और कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी थी 1937 में और ये हुआ था 1940। तो सबसे अंतिम वाला जो है वो चार होना चाहिए, उनमें से किस में चार है तो केवल पहले ही ऑप्शन में, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए। इनमें से बिहार में क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिला नेत्रियों का जो है वो सही कथन और सही जगह आपको सही मैचिंग चुननी है। तो पटना में थी भगवती देवी, छपरा में थी शांति देवी, शाहबाद में थी अकली देवी और मुंगेर में हुंकेरी देवी। तो ये चारों के चारों ही कथन जो चारों के चारों मिलान सही है। इनमें से सही कथनों पर हमें विचार करना है, सही कथनों को चुनना है। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किसी एक जगह में नंगी हड़ताल यानी कि नेकेड स्ट्राइक भी देखने को मिली थी। यह जगह थी बिहार की हाजीपुर जेल, जहां के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की डिमांड में विदेशी वस्त्रों को पहनने से इनकार कर दिया था। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये नंगी हड़ताल देखने को मिली थी छपरा के जेल में, न कि हाजीपुर की जेल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन ए। इनमें से हमें सही कथन चुनने हैं। तो श्री जयराम दास दौलत राम जी को बिहार का यानी आज़ादी के बाद बिहार के पहले गवर्नर बने थे, पहले राज्यपाल थे, तो ये बिल्कुल सही है। उन्हें वो सिंध से आते थे इसलिए उन्हें लैंप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता था, ये भी कथन सही है। और राज्यपाल बनते ही दूसरे ही दिन 14 अगस्त के रात को उन्हें शपथ दिलाई जाती है और 15 अगस्त के दोपहर में उस जगह पर जहां पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था वहां पर शहीद स्मारक के निर्माण का आदेश और भूमि पूजन करते हैं। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस ऑप्शन ई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में हुई घटनाओं को आपको सही रूप से चुनना है। तो इसी दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पटना की यात्रा करते हैं 22 दिसंबर 1921 में। उन्हें मुस्लिम लीग द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और वहां के किला हाउस, पटना में प्रसिद्ध जो किला हाउस है उसके रहवासी है राधा कृष्ण जलान, उनको प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित करते हैं। तो इनमें से अगर आप देखें तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस ऑल ओवर द इंडियाज ने इसको प्रिंस ऑफ वेल्स के मूवमेंट को बॉयकॉट किया था। उस दिन पूरा का पूरा पटना बंद था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3 यानी कि ऑप्शन ए। इनमें से हमें सही जोड़े को चुनना है। तो शाह मोहम्मद जुबैर जो खास करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बिहार में एक्टिव थे, तो शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर, गुलाम इमाम पटना, गोरख प्रसाद मोतिहारी, ये तीनों के तीनों ही मिलान सही है। इनमें से किस लीडर ने बिहार की स्पेशल कांग्रेस जो कि मुंबई में हुई थी, माउंट फॉर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का जो एक्ट है जिसको मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, उस माउंट फॉर्ड रिफॉर्म्स का डिसाइज करने के लिए कांग्रेस की एक इमरजेंसी सेशन बॉम्बे सेशन बुलाई गई थी मुंबई में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की गई थी हसन इमाम द्वारा। इमारत शरिया फुलवारी में किस व्यक्ति ने स्थापना की थी, तो इसकी स्थापना की थी मौलाना सज्जाद। इनमें से हमें सही कथनों पर विचार करना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के दौरान में बिहार में घटनाओं पर, तो इसी समय जो बिहार प्रदेश की 12वीं कांग्रेस समिति होती है, बिहार प्रादेशिक 12वीं कांग्रेस समिति जिसको ऑफिशियल रूप से आधिकारिक रूप से इस असहयोग आंदोलन को, भारत में चल रहे असहयोग आंदोलन को समर्थन प्राप्त करती, समर्थन देती है, जो कि मुजफ्फरपुर में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो बिहार प्रदेशीय प्रांतीय कमेटी जो कि मुजफ्फरपुर में अपना 12वां सेशन कर रही होती है, इसे आधिकारिक रूप से समर्थन देती है, जिसका प्रेसिडेंसी जिसकी अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। तो तीनों ही तीनों कथन सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, मोर देन वन। सही कथनों पर हम बात करना है, तो महात्मा गांधी ने बिहार विद्यापीठ 1921 में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया और मजहर उल हक को उसका चांसलर बनाया, कुलपति, और उसके उप चांसलर यानी वाइस चांसलर बने, उप कुलपति बनते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के दो कथन सही हैं, तीसरा कथन है अनुग्रह नारायण सिन्हा नहीं, ये थे ब्रज किशोर प्रसाद, उसके उप चांसलर यानी उप कुलपति थे। ठीक इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न कि महात्मा गांधी ने उसी समय में एक नेशनल कॉलेज, पटना में नेशनल कॉलेज का भी उद्घाटन किया था, जिसे राजेंद्र प्रसाद जी उनके प्रिंसिपल थे और वाइस प्रिंसिपल बने थे जीवराज मेहता।
तो यहाँ भी जीवराज मेहता जो थे वो गुजरात के आंदोलन से रिलेटेड थे, बिहार के आंदोलन से उनका कोई लेना नहीं था। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत। आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली, ऑप्शन सी। इनमें से कांग्रेस के किस अधिवेशन ने जो बिहार में हुआ था, ताना भगत थे उन्होंने अटेंड किया था मीटिंग, रांची के ताना भगत, जो ताना भगत आंदोलन है वहाँ के लोगों ने किस कांग्रेस सेशन की मीटिंग को, किस कांग्रेस अधिवेशन में अपनी सदस्यता दिखाई थी, पार्टिसिपेट किया था। तो ये था 1922 का गया सेशन। इनमें से किस लीडर ने 26वां मुस्लिम लीग सेशन जो पटना में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, यानी कि पटना में होने वाले 26वें मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। मजहरुल हक ने इनमें से किस मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो मजहरुल हक ने मुस्लिम लीग के बॉम्बे सेशन जो कि 1916 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की। गया सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया सेशन के बाद स्वराज पार्टी जो है वो अस्तित्व में आती है। इसे चितरंजन दास जी स्थापित करते हैं, इसकी स्थापना चितरंजन दास जी ने की थी। उन्हें दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्हें दीन बंधु नहीं, उन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 ओनली। इनमें से हमें सही कथनों पर विचार करना है। बिहार जो है वो स्वराज पार्टी, यानी स्वराज पार्टी का जो बिहार यूनिट का गठन 1923 में हुआ, नारायण प्रसाद जो थे उसके पहले अध्यक्ष बने, यानी स्वराज पार्टी के बिहार यूनिट के, और श्री कृष्ण सिंह जो बने उसके सेक्रेटरी। तो ये तीनों के तीनों ही कथन सही हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ई, ऑल ऑफ दिस। महात्मा गांधी ने सदाकत आश्रम की स्थापना दीघा घाट के दीघा के आसपास के जगहों में की थी, जिसके लिए ज़मीन मजहरुल हक द्वारा दी गई थी, और हाल ही में वो जो स्थान है वह बिहार विद्यापीठ का भी हेडक्वार्टर बना हुआ है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये ज़मीन जो है मजहरुल हक द्वारा नहीं, उसके एक मित्र थे उनका नाम था खैरू मियां। तो उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3, ऑप्शन ए, 1 और 3 ओनली। और हाल ही में जो कांग्रेस सेशन है वो न केवल बिहार प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय है, बल्कि बिहार विद्यापीठ हो या राजेंद्र संग्रहालय का मुख्यालय भी है, क्योंकि अपने राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना अंतिम समय इसी आश्रम में रहने में इसके लिए निश्चय किया था, और यहीं पे गुजारा था, उनकी आखिरी सांसें भी यहीं ली गई थी। इनमें से किस स्थान ने एक बहुत ही बड़े पैमाने पर नशा मुक्ति आंदोलन चला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान? तो यहाँ चला था शाहबाद में, जो आज का भोजपुर जिले में पड़ता है। इनमें से हमें सही कथनों पर विचार करना है। साइमन कमीशन के जो सदस्य हैं वो पटना में 12 दिसंबर 1928 को पहुँचते हैं। लोकल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल जितने भी संगठन हैं पॉलिटिकल हो, और सब लोग उनका विरोध करते हैं, जिसमें प्रभात फेरी जो है कांग्रेस की प्रभात फेरी बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाती है, और वो उनका एक नारा रहता है कि उठो जवानों सवेरा हुआ और साइमन को भगाने का बेरा हुआ, और राजा ऑफ डुमराव, एंड डुमराव के राजा जो है इनका स्वागत करते हैं। तो तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दिस। गया सेशन के लिए इनमें से सही बात को सही कथनों पर हमें चुनना है, जो 1922 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, राजेंद्र प्रसाद इसके सेक्रेटरी थे, और इसने लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान परिषद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव में चुनावों का समर्थन किया था और उसमें एंट्री का समर्थन किया था। तो ऐसा नहीं हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी चितरंजन दास जी ने, और चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू चुनावों का समर्थन चाहते थे, लेकिन उनका जो रेजोल्यूशन है वो पास नहीं हो पाया था, फेल हो गया था, और उसी वजह से उन्होंने फिर एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम दिया था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, यानी कि स्वराज पार्टी। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन डी। 1923 में एक झंडा सत्याग्रह, फ्लैग सत्याग्रह नागपुर में आयोजित किया गया था, जिसकी लीडरशिप की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, और राजेंद्र प्रसाद भारत में बिहार से कुछ वॉलंटियर्स का, कुछ स्वयंसेवकों का एक जत्था लेकर वहां पर पार्टिसिपेट करने वाले बिहार से बिहार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गए थे। तो तीनों ही कथन सही है, नागपुर और जबलपुर, जिसका जबलपुर जो है नागपुर जो उसका हेडक्वार्टर था वहाँ पर झंडा सत्याग्रह चला था, और अंततः अंग्रेजी सरकार को झंडा फहराने के ऊपर जो बैन लगा था वो हटाना पड़ा था। सही कथनों पर विचार करना है कि पहला किसान सभा बिहार में मुंगेर में 1922 में किया गया था, और इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मोहम्मद जुबेर एंड स्वामी सहजानंद। इट वाज आल्सो अटेंडेड बाय
जवाहरलाल नेहरू। सो इट वॉज नेवर अटेंडेड बाई जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी उसे अटेंड नहीं किया। और मोहम्मद जुबैर और स्वामी सहजानंद नहीं, ये दूसरे व्यक्ति थे, इनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। तो पहले दूसरे और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वन ओनली। सही कथनों पर हमें विचार करना है तो चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर मधुबनी में भी वहाँ के किसानों ने दरभंगा महाराज के खिलाफ एक आंदोलन किया था, जिसकी अध्यक्षता की थी स्वामी विद्यानंद ने। और इसका प्रमुख नाम था, जो विद्यानंद जी का ओरिजिनल नेम है, उनका मूल नाम था विभूशरण प्रसाद। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक। इनमें से सही कथनों पर हमें विचार करना है कि ऑल इंडिया किसान सभा AIKS जो है वो लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके पहले अध्यक्ष बने थे और स्वामी विद्यानंद इसके प्रथम सेक्रेटरी बने थे। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बने थे प्रोफेसर NG रंगा, जो कि आंध्र प्रदेश के किसान सभा के हेड थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, एक और दो ओनली, तीसरा आंसर गलत है, ऑप्शन सी। इनमें से किसके गाइडेंस में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने चंपारण में एक मेडिकल कैंप चलाया था? तो ये थे डॉक्टर डे, ऑप्शन डी। इनमें से हमें सही कथनों पर विचार करना है बिहार के किसान सभा के लिए। तो सबसे पहले आधिकारिक रूप से 1929 में इसकी स्थापना की गई थी स्वामी सहजानंद द्वारा। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रथम सेक्रेटरी बनते हैं और इसकी जो है आधिकारिक तौर पर घोषणा करती है सोनपुर के हरिहर क्षेत्र से सोनपुर मेले के दौरान। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। इसका आंसर होगा मोर देन वन, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन ई। इनमें से सही कथनों पर हमें विचार करना है कि किसान सभा का जो प्रमुख कार्य है किसानों में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना ग्रामीण एरिया में, उसको कार्यानंद शर्मा हो, राहुल संकीर्तियान हो और यदुनंदन शर्मा ने बखूबी रूप से किया। कार्यानंद शर्मा ने ही एक आंदोलन था मुंगेर में, जो बड़ैया ताल बकास आंदोलन, उसकी भी अध्यक्षता की। तो तीनों के तीनों इस कथन सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दिस। इन सभी घटनाओं को कालानुक्रम यानी कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हमें सुचित करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मुंगेर किसान सभा 1922 में हुई थी, दरभंगा किसान सभा 1919 में, किसान का आंदोलन 1919 में हुआ था, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा आप पता है 1929, और ऑल इंडिया किसान सभा उसके ठीक कुछ देर बाद। सो इसका क्या होगा आंसर, ई, क्योंकि उस ऑप्शन में कोई भी वैधता नहीं है सबसे पहले, दैट इज़ वाई 1922-23 फिर 1928-29 में बिहार प्रोविंशियल के, और ऑल इंडिया किसान सभा होती है 1936 में, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 का कोई इसमें ऑप्शन है ही नहीं। इनमें से सही कथनों पर हमें चुनना है तो 16 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह का दिन चुना गया था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट था। राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी, क्विट इंडिया मूवमेंट के भी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी वो प्रमुख लीडर थे, प्रमुख एक्शन प्लान डिज़ाइन किया था उन्होंने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक इससे पहले आकर सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर में यात्राएं की थी, जिससे लोगों में काफ़ी विश्वास और उत्साह आ गया था। तो तीनों के तीनों कथन ही सही। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ई, मोर देन वन, यानी कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। साल्ट सत्याग्रह जो है वो सिविल डिसऑर्डिनेंस का पार्ट था, जो बिहार में शुरू होता है नखास पिंड गया से। प्रोफेसर अब्दुल बारी जो इसमें शामिल होते हैं उनको बहुत ही बुरी तरह से पुलिस यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, और वो अब्दुल बारी जो थे उस वक्त बिहार और बंगाल के सबसे प्रमुख लेबर लीडर, मजदूर नेताओं में से एक थे। तो ये दूसरा और तीसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन है कि नखास पिंड जो है वो गया में नहीं बल्कि पटना में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3 ओनली। इनमें से हमें सही कथनों पर विचार करना है। जो फेमस बीहपुर आंदोलन जो हुआ था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था मुंगेर में। पुलिस ने एक लाठी कैंप, इस तरह का कैंप जो कांग्रेस में चलता था, जहाँ पर लाठी की प्रैक्टिस होती थी, फिजिकल कैंप होता था, बच्चों को या उनके सदस्यों को लाठी चलाना सिखाया जाता था, उसको इलीगल घोषित करके उस कैंप को भी तथा प्रांतीय कांग्रेस समिति के ऑफिस को भी अपने कब्जे में लिया था, सीज कर लिया था, जिसके विरोध में 150 में से 130 जो है वो चौकीदारों ने इस्तीफा दे दिया था। तो इसका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह मुंगेर में नहीं बीहपुर आंदोलन जो है वो भागलपुर में हुआ था। आंसर इज 2 और 3, ऑप्शन बी। इनमें से हमें सही कथन चुनना है रामगढ़ कांग्रेस के बारे में। ये कांग्रेस का
53वां 53rd सेशन था जो कि भागलपुर में आयोजित किया गया था। इसे मोहम्मद अंसारी एम ए अंसारी ने हेड किया था। मजहरुल हक ने यहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्वागत स्पीच दिया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ये होगा कि जो रामगढ़ है वो झारखंड में है, बिहार में, भागलपुर में नहीं। तो ये पहला कथन गलत। और यह वेलकम स्पीच जो है वो राजेंद्र बाबू जी ने दी थी और वहाँ पर कहा था कि बिहारी जो है उन्हें बहुत पिछड़ा और समझा जाता है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में वो अब से इतनी अग्रिम भूमिका निभाएंगे कि भारत का योगदान, भारत में जो आज़ादी का योगदान है, बिहार सबसे आगे रहेगा। बहुत ही इमोशनल स्पीच थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वन ऑफ दिस, क्योंकि ये जो है हेड किसके द्वारा किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसका स्वागत भाषण दिया गया था राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। और दूसरा, ये जो है भागलपुर में नहीं बल्कि झारखंड में है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सही कथनों पर हमें विचार करना है, सही कथनों को चुनना है कि मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर सेशन जो कि 1940 मिंटो पार्क में हुआ था, वहाँ पर पहली बार ऑफिशियल रूप से मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी को प्रतिपादित किया था, यानी टू नेशन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना इन दैट सेशन। दूसरा, इसे बिहार के मुस्लिम लीग की ब्रांच ने पटना में एक कॉन्फ्रेंस कर इसका जो है अनुमोदन किया था, ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट किया था, रेजोल्यूशन को भी पास किया था। तीसरा, अहरार पार्टी और मोमिनों ने इसका भारी आलोचना की थी और इसको कंडेम किया था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है बिहार ब्रांच के मुस्लिम लीग का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो छपरा में हुआ था, पटना में नहीं हुआ था, जो कि सारण जिले में पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक और तीन ओनली। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में सही कथनों को चुनना है। तो भारत में सबसे पहले इसे विनोबा भावे जी ने शुरू किया था, बिल्कुल सही है। बिहार में सबसे पहले इसे श्री कृष्ण सिंह ने शुरू किया था, पहले सत्याग्रही बिहार से श्री कृष्ण सिंह ही बने थे और दूसरे सत्याग्रही श्री अनुग्रह नारायण सिंह बने थे। तो दोनों तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ हमारा टॉप 50 सीरीज़ के बिहार स्पेशल मॉडर्न बिहार का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और फिर अगली बार इसे देखकर फिर से इसे इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।